गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंद्र कुमार जोनवाल आपके सामने कक्षा 8 का लेसन नंबर 2, सूक्ष्म जीव मित्र हैं या हमारे शत्रु, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। आज इसका वीडियो नंबर 1 लेसन नंबर 2 से आ रहा है। विगत वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे और पहले पार्ट को कंप्लीट किया था, और कुछ पीडीएफ थी जो लिखे हुए क्वेश्चन की मैं भेज चुका हूँ स्कूल को। आप स्कूल से कलेक्ट कर लीजिएगा या आपको स्कूल भेज देगा, ठीक है। कई लोगों के अच्छे खासे लाइक्स आए, कमेंट अच्छे आए, सब्सक्राइब भी बढ़े और बेल आइकन को भी शायद प्रेस किया होगा। तो प्लीज़ इसी रफ्तार से आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो वीडियोज़ को। हम मदर डिवाइन कोचिंग क्लासेज, आईके साइंस क्लासेज और एसएसपी बांदीकुई की तरफ से आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं। और आज हम कक्षा 8 का लेसन नंबर 2 से पहला वीडियो देखते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु। बेटा, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म मानी बारीक, छोटे। जीव का मतलब आपको पता ही है, जिनमें जान होती है, ठीक है, जो जनन क्रिया कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, श्वसन की क्रिया कर सकते हैं, उत्सर्जन की क्रिया कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, वही जीव होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव मतलब बहुत छोटे जीव, और ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते। मतलब खुली आँखों से नहीं देख सकते का मतलब क्या हुआ कि हम उनको यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं, बिना यंत्र के उन्हें नहीं देख सकते। तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम नहीं देख सकते। तो फिर किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक से, सूक्ष्मदर्शी से। किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी नामक एक यंत्र से, ठीक है। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। तो ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है बेटा? 4। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। सूक्ष्म जीव कितने भागों में बांटे गए? 4 में। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। दोबारा रिपीट करो। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, और इन्हें मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ठीक है। चलो, अब आप लोग कहोगे कि जीवाणु के साथ में विषाणु को क्यों नहीं लिया आपने सूक्ष्म जीव की श्रेणी में? विषाणु को लेते, लेकिन विषाणु क्या करता है? दूसरी चीज़ों पर रहकर और वृद्धि करता है अपनी, जैसे पेड़ पौधे हो गए। ये विषाणु जीवाणु में रह के वृद्धि करता है। विषाणु किस में वृद्धि करता है? जीवाणु में रह के। मतलब विषाणु का स्थान कहाँ है खाने पीने का? जीवाणु में। इसलिए इसको क्या है, हमने सूक्ष्म जीव की श्रेणी में से निकाल रखा है, क्योंकि ये किस में पड़ा रहता है? जीवाणु के अंदर, और वहीं खाता पीता बड़ा होता है। विषाणु भी क्या है? सूक्ष्म जीव है। विषाणु भी क्या है? सूक्ष्म जीव है। लेकिन ये क्या है, अन्य जीवों से जो हमारे पास ऊपर हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल से क्या है? अलग है। विषाणु भी क्या है? सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये क्या है, अन्य जीवों से क्या है? भिन्न है। ये क्या है? परपोषी। पर मानी पराया, पोषी मानी पोषण करता है। ये पराए लोगों में जाके, पराए सूक्ष्म जीवों में जाके अपना पोषण करता है। जैसे जीवाणु में वृद्धि कर लेगा, पेड़ पौधों पर रह के वृद्धि कर लेगा, तो मतलब ये क्या है कि परपोषी है, पराए में रह के, मतलब पराए जीव जंतुओं में रह के या पराए सूक्ष्म जीवों में रह के अपनी वृद्धि करता है। इसलिए हमने इसको सूक्ष्म जीव की श्रेणी से क्या कर दिया? आउट कर दिया। है तो सूक्ष्म जीव, लेकिन ये क्या है, दूसरे पे रह के अपनी वृद्धि करता है, गुणन करता है। अब देखो, इस विषाणु के कारण हमारे जुकाम, खांसी, फ्लू, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, खांसी, जुकाम, सर्दी, फ्लू, ये सब किसके कारण होते हैं? विषाणु के कारण। किसके कारण होते हैं बेटा? विषाणु के कारण होते हैं, ठीक है। अब कहोगे प्रोटोजोआ के कारण क्या होते हैं? तो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं हमारे दस्त लग जाते हैं, जिसे हम साइंस की भाषा में कहते हैं अतिसार। क्या बोलते हैं?
अतिसार, दस्त लग जाते हैं, मलेरिया हो जाता है। मलेरिया, मलेरिया का जो हमारे पास में प्रोटोजोआ है वो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव है उसके कारण हमारे दस्त लग जाते हैं, हमारे मलेरिया हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रोटोजोआ के कारण कौन से दो रोग हो सकते हैं, या प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण कौन से दो रोग हो सकते हैं। तो आपको बोलना है मलेरिया और दस्त लग जाते हैं। जीवाणु के कारण कौन कौन से होते हैं? तो जीवाणु के कारण होते हैं टाइफाइड हो जाता है, जिसे हम मोती जरा बोलते हैं, पानी जरा बोलते हैं, टाइफाइड हो जाता है, और टीबी हो जाती है। टीबी को हम कहते हैं क्षय रोग। क्या कहते हैं? क्षय, क्षय रोग मतलब इसमें क्षय मानी कमी, शरीर घटता है हमारा, इसके अंदर कमजोर होता है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम, ठीक है बेटा। अब एक और चीज़ जो हम लिखते हैं ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और एक हम लिखते हैं वायरस। बैक्टीरिया का मतलब तो होता है जीवाणु, यह अंग्रेजी का शब्द है और ये हिंदी का है, और वायरस का मतलब होता है विषाणु। क्या होता है? विषाणु, ये दिमाग में रख लेना। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? जीवाणु, और वायरस का मतलब क्या होता है? विषाणु। ठीक है, क्या क्या देखा? ऐसे सूक्ष्म जीव या ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। चार भागों में बांटा गया, जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। विषाणु भी सूक्ष्म जीव ही है, लेकिन दूसरे में क्या करता है? वृद्धि। जीवाणु में रह के, पेड़ पौधों पर रह के अपना गुणन या वृद्धि करता है। खांसी, जुकाम, फ्लू, ये क्या है? वायरस के कारण होते हैं। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है, हमें दस्त लग जाते हैं, और टीबी और टाइफाइड किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण होते हैं। ये आप लोग लिखो, फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ाएंगे। हाँ तो बेटा देखो, अब हम अगला देखेंगे, सूक्ष्म जीव को पढ़ लिया। अब सूक्ष्म जीव को पढ़ने के बाद में देखेंगे कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ पे। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी होते हैं और सूक्ष्म जीव बहुकोशिकीय भी होते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय है होते हैं, जैसे जीवाणु। जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अगला देखिए, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। देखो, मैंने बताया था आपको कि हमारे पास में जीवाणु, ठीक है, जीवाणु के बाद में शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे तो हैं बहुकोशिकीय, और ये क्या है? अकेला एक कोशिकीय है। ठीक है, मतलब इसमें एक प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो, ये समझ में आ गया कि सूक्ष्म जीव में जीवाणु केवल एक कोशिकीय है, बाकी शैवाल, कवक और हमारे पास में प्रोटोजोआ क्या है? बहुकोशिकीय है। ये सूक्ष्म जीव रहते कहाँ? ये गर्मी और सर्दी दोनों तरह की कंडीशन में रह सकते हैं। ये बर्फीली हवाएं चलती हैं वहाँ भी रह सकते हैं, और ये गर्मी में भी रह सकते हैं, मतलब ये दोनों तरह की कंडीशंस में रह सकते हैं। ठीक, ये मरुस्थल के दलदल में भी रह सकते हैं, मतलब मिट्टी मिट्टी और पानी भर गया वहाँ पे, मिट्टी फट गई हो ऐसे दलदल में, जैसे हैंडपम्प वगैरह बोर वगैरह खुदाते हैं ना अपन, तो फिर नहीं होता क्या? अपन बोर वगैरह खुदाते तो मिट्टी निकलती है, वो पानी, पानी वाली मिट्टी फिर फैल जाती है, उसमें भी सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। ये मनुष्यों में भी अंदर रहते हैं, ये मनुष्य के अंदर भी रहते हैं, मनुष्य के अंदर और सारे सजीवों में रहते हैं ये, तभी तो हम बीमार होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं, सभी सजीवों के अंदर रहते हैं, ऐसे याद रख लो। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरों पे आश्रित रहते हैं, जैसे मैंने विषाणु का बता दिया कि विषाणु किस पे आश्रित है? दूसरों पे आश्रित है। ठीक है ना, विषाणु किस पे आश्रित है? दूसरों पे आश्रित है, पौधे में खाता है, जीवाणु में खाता है, और कई स्वतंत्र भी रहते हैं। अमीबा, सूक्ष्म जीव अकेला रहता है, अमीबा है ये अकेला रहता है। अमीबा कैसे रहता है? ये अकेला रहता है। और कवक, जीवाणु ये ग्रुप में रहते हैं। कवक और जीवाणु किस में रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं। ठीक
है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अमीबा स्वतंत्र रहता है या ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है। तो अमीबा तो अकेला रहता है और कवक और जीवाणु एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिके बहुकोशिके दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिके में जीवाणु, बहुकोशिके में कौन कौन से, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। ये बर्फीली हवाओं में भी रह सकते हैं, तो गर्मी में भी रह सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं, सभी सजीवों के अंदर भी रहते हैं, दलदल में भी पाए जा सकते हैं, और ये फ्री भी रहते हैं और दूसरों पर डिपेंड भी रहते हैं, ठीक है। अमीबा अकेला रहता है, कवक जीवाणु क्या ग्रुप में रहते हैं। आप लोग इसको उतारो, आगे पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, हमने पहला देखा सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, फिर हमने देखा कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ पे हैं। अब देखेंगे सूक्ष्म जीव और हम में क्या कॉम्बिनेशन है, ऐसा क्या होता है कि हम सूक्ष्म जीवों के साथ रहना पसंद करते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, ये हम पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है तो कुछ हानिकारक है, ये आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया। कुछ तो बीमारियाँ फैला देते हैं और कुछ हमारे लिए लाभदायक है, वो लाभदायक कैसे होते हैं कि ये लाभदायक कैसे हैं। मित्रवत का मतलब हमारे साथ में फ्रेंड का जैसा व्यवहार कैसे करते हैं, ये देखो। सूक्ष्म जीव से दही, ब्रेड और केक, दही, ब्रेड और केक, ये तीनों चीज़ें बनाई जा सकती हैं। किससे? सूक्ष्म जीव से। सूक्ष्म जीव से दही, ब्रेड और केक बनता है, ठीक है। दही, ब्रेड और केक बनता है, किससे बनता है? सूक्ष्म जीव से। बेटा अभी केवल इतना याद रखना है कि इससे ये बनता है, क्योंकि जैसे 10th क्लास में आप जाओगे तो इससे बनाने का तरीका और पता चल जाएगा आपको। अभी क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं जाना, अभी इतना ही देखना है कि सूक्ष्म जीव से अपने को दही, ब्रेड और केक बनता है, ठीक है। पुराने समय में जो सूक्ष्म जीव थे, इनसे अल्कोहल भी बनाया जाता था, मतलब शराब भी तैयार की जाती थी। पुराने समय में सूक्ष्म जीवों से शराब भी तैयार की जाती थी। क्या तैयार की जाती थी? शराब, एल्कोहल, एल्कोहल भी तैयार की जाती थी पुराने समय में। ये पर्यावरण को स्वच्छ भी रखते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रखते हैं बेटा, वो देखो। पहली बात तो ये विष्ठा को साफ कर देते हैं। विष्ठा मतलब लैट्रिन वगैरह होती है, उसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तीसरा, दूसरा छिलके वगैरह होते हैं उनको साफ कर देते हैं हमारे। तीसरा, हमारे पास में जो गंदगी होती है आसपास की, उसको भी क्या कर देते हैं, मृत जीव हो गए उनको भी क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं पर्यावरण को साफ रखते हैं, विष्ठा, छिलके और मृत जीव, इनको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध से दही बनने के लिए कौन सा जीवाणु सहायक है, कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है। तो दूध से जो दही बनता है वो बनता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण। दूध से दही बनने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु क्या करता है, दूध में जनन की क्रिया करता है। दूध में किसकी क्रिया करता है? जनन की, मतलब अपने बच्चे दूध में देता है, जिससे क्या है, दही बनता है। जिससे क्या बनता है? दही। और उस जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ये जीवाणु दूध में जनन करता है, इसलिए दूध से दही बनता है। जीवाणुओं का उपयोग मृदा की उर्वरता, मतलब मृदा की उर्वरता का मतलब होता है मृदा में उपजाऊ क्षमता, ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा हो। औषधि उत्पादन, मतलब दवाइयाँ बनती है सूक्ष्म जीवों से। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है कि हमारे पेड़ पौधे होते हैं या मिट्टी से नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, ये लेते हैं, तो इनकी जड़ों के द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। तो सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का भंडार पैदा कर देते हैं नीचे, बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन बना देते हैं। तो सूक्ष्म जीव और हमें क्या बताया कि हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए लाभदायक भी तो हानिकारक है, हानिकारक हमको बीमार करते हैं, लाभदायक कैसे वो देखो। सूक्ष्म जीव से दूध, दही और ब्रेड बनता है। पुराने दूध, ब्रेड और केक, सॉरी, पुराने समय में सूक्ष्म जीव से अल्कोहल मतलब शराब बनाई जाती थी। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, विष्ठा को साफ कर देते हैं, गंदगी जैसे मृत जीवों को साफ कर देते हैं, छिलकों को साफ कर देते हैं। दूध में जनन की क्रिया से लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही बना देता है। जीवाणुओं का उपयोग मृदा की उर्वरता, मतलब फसल की पैदावार ज़्यादा हो, औषधि उत्पादन, दवाइयाँ बनाएँ,
और नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे हमारे फसल जो जड़ होती हैं पेड़ की वो अच्छी पके। बेटा आज हमने ये सब चीज़ें पढ़ाई, इनको आप लोग उतारना, अच्छे से लिखना, याद करना, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, आप दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है बेटा। दूसरी बात, ये हमारी पहली बात हो गई। दूसरी बात कि आप लोग व्यूज़ कर लेते हो, देख लेते हो, उसके बाद में लाइक नहीं करते, बल्कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो लाइक करो और कमेंट करो अच्छे, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट करो। दूसरा हमारे पास में क्या है कि यदि किसी को होम ट्यूशन लेना है, होम ट्यूशन, क्योंकि 8वीं क्लास है, बोर्ड क्लास है, और अब ये कोरोना के चक्कर में क्या है कि स्कूल खुलेंगे तो कोर्स को तेज़ी से खिंचाया जाएगा, इसलिए आपको होम ट्यूशन यदि लेना है तो होम ट्यूशन के लिए 3 या 4 बच्चे एक साथ हो जाना, ये आपको मेरे नंबर पे कॉल कर देना, ये नंबर है, ठीक है। और हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कमेंट में, आप कमेंट में करके दिखाना मेरे को, कमेंट में लिखना मेरे को, ठीक है, कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध से क्या बनती है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, इससे दूध से क्या तैयार होता है, ये आप मेरे को कमेंट में लिखोगे, ये आप लोग मेरे को कमेंट करोगे, ठीक है। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, और बेल आइकॉन को प्रेस करो। होम ट्यूशन की यदि आपको है तो आप लोग कॉल करो, 3-4 बच्चे एक जगह इकट्ठे हो, करा दूँ आपको। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध से क्या तैयार होता है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ो अच्छे से, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।